हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है असेसमेंट ऑफ फर्म। असेसमेंट ऑफ फर्म की इस वीडियो में मैंने दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर किए गए हैं। फर्स्ट सेकंड, एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व कराने के लिए। उसने पांच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मुझे भेजे थे, मेल किया था, लेकिन मैंने दो ही मैंने कंसिडर किया है आज की इस वीडियो में। रिमेनिंग भी मैं करा दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वन, एबीसी तीन पार्टनर्स है फर्म के अंदर। प्रॉफिट लॉस रेशियो दे रखा है 2:1, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट लेंगे वो इस रेशियो में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 20 का, यानी 19-20 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है। डेबिट साइड में डेबिट आइटम्स होते हैं, आपको पता है सभी को, और क्रेडिट में होते हैं क्रेडिट आइटम्स, रिवेन्यू इनकम, रिवेन्यू एक्सपेंसेस। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर आपको टोटल इनकम निकालनी है फर्म की, और पार्टनर्स की भी टैक्सेबल इनकम निकालनी है, जो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम टोटल इनकम निकालेंगे फर्म की। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म, आपको पता है जब भी पीजीबीपी हेड के हिसाब से, यानी जब हम पीजीबीपी हेड के अंदर अगर बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम निकालते हैं, तो सही इनकम निकालने के लिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, सही इनकम निकालने के लिए हम जो बेस लेके चलते हैं वो चलते हैं नेट प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट लॉस से निकल के आया है। अब इसी नेट प्रॉफिट को निकालते वक्त फर्म ने कुछ ऐसे खर्चे डेबिट कर दिए होंगे जो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अलाउ नहीं है हमारी तरफ से। तो ऐसे खर्चे को, जो खर्चे अलाउ नहीं है, उसको दोबारा से हम एड बैक कर देते हैं सही प्रॉफिट निकालने के लिए। कुछ ऐसी इनकम होगी जो अदर हेड की इनकम होगी, जो ऐड कर रखी होगी, वो उसको लेस कर देते हैं हम। चलिए सबसे पहले बेस लेंगे नेट प्रॉफिट 2,22,200। इसमें हम ऐड कर देंगे आइटम्स जो अलाउड नहीं है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले फर्म का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है, तो सेक्शन 40B के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 40B क्या बोलता है कि कोई पार्टनरशिप फर्म अपने वर्किंग पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म अपने वर्किंग पार्टनर्स को एज पर सेक्शन 40B के हिसाब से जो इंटरेस्ट देगी कैपिटल पे, पार्टनरशिप फर्म अपने वर्किंग पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट देगी कैपिटल पे, वो 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है 13%। तो यानी हमें 12 तक अलाउ हुआ है फर्म को, तो जितना एक्सेस होगा 12% से ऊपर वो हो जाएगा डिसअलाउड, वो दोबारा से एड बैक करना पड़ेगा सही प्रॉफिट निकालने के लिए, सही इनकम निकालने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो 13,000 रुपये 13% है, तो 12% कितना हो जाएगा, 12,000। तो आपने, यानी पार्टनरशिप फर्म ने कितना पे कर रखा है, 12,000, यानी 12,000, यानी एक्स्ट्रा पे कर दिया 1,000 रुपये, ये दोबारा से एड बैक कर दिया मैंने। ऐसे ही बी को इंटरेस्ट दे दिया 500 रुपये अधिक, ये भी ऐड बैक कर दिया, और सी को भी 500 रुपये, तो टोटल हो गया 2,000 रुपये, ये ऐड कर दिया मैंने नेट प्रॉफिट में। उसके बाद सैलरी कमीशन, देखो सेक्शन 40B ये भी कहता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने वर्किंग पार्टनर्स को कोई सैलरी बोनस कमीशन देती है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने वर्किंग पार्टनर्स को सैलरी बोनस कमीशन देती है, उसको हम बोलते हैं रेमुनरेशन। तो इस पे भी लिमिट लगा रखी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से सेक्शन 40B में। तो सेक्शन 40B बोलता है कि आपको अलाउड होगा रेमुनरेशन, लेकिन 40B के हिसाब से। 40B में कैसे निकालते हैं, जितना भी बुक प्रॉफिट आएगा, जितना भी फर्म का बुक प्रॉफिट आएगा, उस बुक प्रॉफिट के स्टार्टिंग के 3 लाख के बुक प्रॉफिट पे 90% निकाल लो आप, जो 270 आएगा। रिमेनिंग जो बुक प्रॉफिट होगा उस पे 60% निकालते हैं हम, ये आ जाएगा 40B। और हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डिड के हिसाब से कितना रेमुनरेशन दिया जा रहा है पार्टनर्स को, दोनों में जो लोअर होगा वो ही अलाउड होगा। देखते हैं आगे। तो इसमें नेट प्रॉफिट में मैंने ऐड कर दिए इंटरेस्ट जो एक्सेस पे कर रखा था 12% से ऊपर, जो 1% था वो मैंने दोबारा ऐड बैक कर दिया। सैलरी दे रखी है बी को 72,000, कमीशन दे रखा है सी को 36,000, जो दोबारा से एड बैक कर दिया पूरा का पूरा मैंने। और मैं लेस भी करूंगा, लेकिन लेस में वही करूंगा जो सेक्शन 40B के हिसाब से होगा। तो पहले तो पूरा एड बैक कर दो आप। तो मैंने पूरा ऐड कर दिया 1,08,000 रुपये रेमुनरेशन, यानी सैलरी बोनस कमीशन को रेमुनरेशन ही मोटा मोटा बोल देते हैं हम। तो इस पे लिमिट है 40B के हिसाब से, पहले पूरा ऐड बैक कर दो, मैंने पूरा ऐड बैक कर दिया। उसके बाद देखो
इनकम जो है अदर सोर्स की है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये इनकम बिजनेस इनकम में दिखा रखी है, तो ये तो इस बिजनेस इनकम है ही नहीं, तो ये अदर हेड की इनकम है, इसको लेस कर देंगे, 10,000 लेस कर दिया, तो 3,22,000 ये एक बुक प्रॉफिट निकल के आ गया। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हो, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट जो बेस लिए हैं आपने, इस नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है 12% से, यानी जितना एक्स्ट्रा आपने पे कर दिया पार्टनरशिप फर्म ने अपने वर्किंग पार्टनर्स को, जितना 12% से ऊपर एक्सेस पे किया है वो एडबैक कर दो नेट प्रॉफिट में। इसके अलावा कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो भी एड बैक कर देते हैं हम, या अदर हेड की इनकम होती है वो लेस कर देते हैं हम, और रेमुनरेशन जितना पहले दे रखा है पहले पूरा ऐड कर दो रेमुनरेशन, फिर लेस भी करेंगे लेकिन 40B के हिसाब से। तो यहां पर रेमुनरेशन पूरा का पूरा मैंने ऐड कर दिया 1,08,000। अब सेक्शन 40B के हिसाब से जो रेमुनरेशन बनेगा वो लेस करेंगे हम, पहले मैंने पूरा ऐड कर दिया अब लेस करेंगे। देखो अब देखो सेक्शन 40B क्या बोलता है कि रेमुनरेशन कितना अलाउ है, स्टार्टिंग का बुक प्रॉफिट 3,22,000 है, स्टार्टिंग के 3 लाख बुक प्रॉफिट में 90% निकालोगे आप, आ जाएगा 2,70,000, 2,70,000, और रिमेनिंग 22,000 यानी 22,000 पे 60% के हिसाब से आ जाएगा 13,320, तो ये आ जाएगा 2,83,320। और पार्टनरशिप डिड कितना दे रही है, 1,08,000, सैलरी बोनस कमीशन जो दिया है बीसी को ये दिया है 1,08,000, तो दोनों में जो लेस, दोनों में जो लोअर होगा कम होगा वो अलाउ हो जाएगा, तो 1,08,000 मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया, तो ये जो बचे बच जाएगा ये आ जाएगी बिजनेस की इनकम 2,14,200। आपको पता है कि अदर सोर्स की इनकम है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे बिजनेस इनकम की इनकम प्लस अदर सोर्स की इनकम 10,000, तो ये आ जाएगा ग्रोस टोटल इनकम 2,24,200। अगर कोई डिडक्शन होती ATC to ATU तो वो भी हम लेस कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई डिडक्शन है नहीं, तो यही आपका बन जाएगा टोटल इनकम, यही क्या बन जाएगा आपका टोटल इनकम। अगर देखो तो मैं बात करूँ पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स की इनकम निकालना भी आसान है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पार्टनर्स की इनकम में, पार्टनर्स की इनकम में ए को इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो आ जाएगा बी सी को, इसके अलावा बी को सैलरी दी जा रही है वो आ जाएगी, और जो कमीशन दिया जा रहा है वो आ जाएगा, तो ये जो पार्टनर्स की इनकम मानी जाएगी बिजनेस की इनकम होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। ABC 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट लॉस दे रखा है 31 मार्च 2020 को, इसमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 99,750 आफ्टर डेबिटिंग, यानी ये आइटम्स डेबिट कर रखे हैं उसके बाद ये प्रॉफिट आया है। सैलरी दे रखी है हम देख लेते हैं, सैलरी दी है ए और बी को, बोनस दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है कैपिटल पे जो 20% दे रखा है, मैंने आपको बताया कि 12% तक अलाउ होते हैं, यानी 8% एक्सेस है, वो दोबारा से एडबैक कर देंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट निकालते वक्त ये लेस किया हुआ है। रेंट अलाउ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है पार्टनर्स को। कमीशन दे रखा है 5,000। आपको निकालना है बुक प्रॉफिट और टोटल इनकम निकालनी है फर्म की असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको भी, तो कंप्यूटेशन और बुक प्रॉफिट, सबसे पहले हम निकालेंगे बुक प्रॉफिट एज पर असेसमेंट ईयर 2021। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, हम बेस ले लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे ऐसे आइटम जो अलाउ नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो आप सभी को पता है कि सैलरी दे रखी है ए को 20,000, और सैलरी दे रखी है ए को 20,000, बी को दे रखी है 15,000, तो ये हो जाएगा 35,000। बोनस दे रखा है सी को 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दे रखा है 20% के हिसाब से, और वो दे रखा है 5,000 रुपये। कितना दे रखा है, 5,000 रुपये। और आपको पता है कि 40B के हिसाब से अलाउ कितना है, अलाउ है 12% तक, तो 5,000 अगर 20% तो 12% कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, तो एक्सेस कितना पे कर दिया, 2,000 रुपये। भाई 5,000 पे कर दिया फर्म ने, वो ये 20% के हिसाब से पे कराया, लेकिन 12% तक अलाउ होता है, तो 5,000 अगर 20% है तो 12% कितना हो जाएगा, 3,000, तो एक्सेस कितना पे कर दिया, 2,000, ऐड बैक कर दो दोबारा से। कमीशन दे रखा है सी को 5,000 रुपये, मैंने ऐड बैक कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा बुक प्रॉफिट 1,56,750। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे हम रेमुनरेशन एज पर सेक्शन 40B के हिसाब से। सेक्शन 40B बोलता है कि जितना आपका बुक प्रॉफिट है,
जितना आपका बुक प्रॉफिट है, तो स्टार्टिंग के 3 लाख का बुक प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे बुक प्रॉफिट कितना है, 1,56,750, यानी 3 लाख भी नहीं है। तो स्टार्टिंग के 3 लाख यानी 1,56,000, 1,56,750 पे 90% के हिसाब से ये हो जाएगा 1,40,400। यहां पर ये थोड़ा अमाउंट ठीक कर लेना। तो एज पर पार्टनरशिप डीड कितना पे कर दिया, 55,000। देखो अगर रेमुनेशन की बात करूं मैं, तो रेमुनेशन कितना पे कर रखा है, 20, 15, 35 हो गया, बोनस 15, ये 50 हो गया, कमीशन 5, 55 हो गया। तो रेमुनेशन पे कर रखा है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 55, और निकल के कितना आया ओटीपी के हिसाब से 1,40,400। दोनों में लोअर कौन सा हो जाएगा, 55,000, ये आपको लेस करना होगा। तो टोटल इनकम आ जाएगी 1,01,750 रुपये। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ दो प्रैक्टिकल ही मैंने सोल्व कराए हैं आपको। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, और जल्द ही रिमेनिंग जो जो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो भेजे हैं उसको भी मैं सोल्व